जिला मुख्यालय मंडला में कांग्रेस बिजली प्रकोष्ठ के तत्वाधान में अधीक्षण अभियंता कार्यालय में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले एवं जिले के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में जिला अध्यक्ष हसीब खान के नेतृत्व में क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड DC मोहगांव में कार्यरत आउटसोर्स के कर्मियों को काम से बाहर कर विभाग द्वारा ब्लैक लिस्टेड जैसी गंभीर कार्यवाही के विषय में उक्त आउटसोर्स कर्मचारियों को पुनः सेवा का अवसर प्रदान किए जाने को लेकर ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई। विदित हो कि ज्ञापन के दौरान उपस्थित विधायक डॉक्टर अशोक मर्सकोले द्वारा अधीक्षण अभियंता KK सोनवाने को कहा गया कि काम से बाहर किए गए DC मोहगांव के आउटसोर्स के कर्मियों को एक बार किसी भी व्यवस्था के तहत उन्हें काम पर लिया जाए। साथ ही विधायक ने ट्रांसफार्मर से संबंधित चर्चा भी की। उपस्थित जनों द्वारा लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती, वोल्टेज की समस्या, विद्युतीकरण योजना के कार्य के संबंध में चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष हसीब खान के द्वारा कहा गया कि जो आउटसोर्स कर्मचारी जिस मूल पद पर कार्यरत हैं उन्हें यथावत रखा जाए। उपरोक्त सभी विषयों पर ज्ञापन उपरांत अधीक्षण अभियंता से चर्चा की गई। इस दौरान वरिष्ठ जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष संतोष मिश्रा, सद्भावना प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष शिवराज खचवा, किसान कांग्रेस अध्यक्ष अशोक पटेल, मध्य प्रदेश बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष धनु सिंह ध्रुवे, जनपद पंचायत मोहगांव अध्यक्ष गत सिंह भावेदी, सेवादल जिला अध्यक्ष जीतराज कछवा, वसीम अहमद, इमरान खान, हीरा सिंह उइके एवं क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिक गण उपस्थित रहे। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।